गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय डेली लाइव शो विच इज लेट्स टॉक शो। टुडे आई एम गोना टू ब्रिंग मिस्टर अरुण मेहरा, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत काम करते हैं ऐसे सोशल एक्टिविस्ट। उनके साथ हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि आजकल जो कोविड की महामारी है, इसमें सैनिटेशन एक ज़रूरी चीज़ है। तो सैनिटेशन में गवर्नमेंट क्या कर रही है और सोशल एक्टिविस्ट्स वगैरह सब जो भी हैं वो क्या कर रहे हैं। मेहरा साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सर, आपका बहुत धन्यवाद कीमती समय निकालने के लिए सर। आपका मेहरा साहब, आप मुझे ये बताएं, आप तो एक मान लो फायर ब्रांड सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत तेज मान लो जो भी काम करते हैं, बड़ा सही तरीके से काम करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट आप अच्छा काम किया। पीछे भी आपका मैंने देखा था वो सैनिटेशन ड्राइव आपने स्टार्ट करा था, आपने और कुछ और संस्थाएँ जोड़ के सैनिटेशन आपका सब एरिया अभी आगे का क्या प्लान है, आगे क्या करने वाले हैं और गवर्नमेंट कहाँ तक कर रही है और क्या कर रही है। देखिए, जिस तरह के क्रिएटर टीवी का सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ, जिस तरह के हालात इस मंजर पर पहुंच चुके हैं कि आने वाला जो वक्त है, मैं बता दूं आपके माध्यम से कि आने वाला वक्त जो है कि कोरोना एक वैश्विक बीमारी जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और सरकार द्वारा कोई भी इस पे ना कि इस पे कोई सूझ बूझ ली जा रही है। सरकार जो है इस वक्त चैन की नींद सोई हुई है और इस वक्त खास अगर हमारी तरफ से बात की जाए, हम अपने बतौर अपने बताएं आपको भाई जी कि हम आप सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमने तमाम वार्डों में हमने एक सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाई, जिसमें हमारे वार्ड नंबर 14 भगवती नगर, वार्ड नंबर 59 पलोड़ा और बख्शी नगर, तमाम वार्डों में हमने सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाई। इसलिए चलाई कि हमने एक ना ही हमने हम एक पॉलिटिकल पार्टी से एक बैकग्राउंड रखते हैं, ना ही हमें जरूरत है, हमने सिर्फ एक इंसानियत तौर पे एक अपनी सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाई, क्योंकि हमने देखा कि तमाम लोग हमारे कई भाई कई बहने कई भाई कई बुजुर्ग हमारे बेचारे घरों में बैठे हैं और उनको सरकार द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं दी जा रही है। इसलिए हमने अपने बलबूते पे उनको सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाई और सरकार द्वारा लास्ट ईयर आपने देखा 2020 में सरकार ने जीएमसी म्युनिसिपैलिटी द्वारा सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाई गई, मैं झूठ नहीं कहूंगा, सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाई गई। तमाम टैंकर्स थे जो या कोई भी थे, क्या प्राइवेट थे या गवर्नमेंट थे, जो भी रिकॉग्नाइज थे, लेकिन उन्होंने ड्राइव चलाई। लेकिन इस साल 2021 का जो मंजर है ये पिछले साल से भी घातक होने वाला है, हालांकि पिछले साल से घातक होने वाला, मैं दोबारा आपको ये रिपीट में कहूंगा, लेकिन सरकार ये सेकंड वेव कल की डेट की 4 तारीख की सेकंड वेव जो चल चुकी है, लेकिन आज भी सरकार सोई हुई है। सरकार क्यों सोई है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर जो सैनिटाइजेशन टैंकर्स इन्होंने जो ड्राइव चलाई थी हर वार्डों में, उनका हम सराहना करते हैं, लेकिन आज तक वो टैंकर्स कहाँ गए हमें नहीं पता चला। उस टैंकर्स का क्या वो करोड़ों की धांधली थी या सिर्फ लोगों को दिखाना था कि हम सैनिटाइजेशन ड्राइव चला, आज लोग मर रहे हैं और इस हालात में 2021 में पिछले साल से भी घातक हालात होने वाले हैं, ये मैं आपके माध्यम से बता दूं, पिछले साल से भी घातक होने वाले हैं। ये कोरोना महामारी एक वैश्विक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है और इस साल ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की इतनी कमी आ रही है कि लोगों का जीना जो है वो दुश्वार हो चुका है। मैं क्रिएटर टीवी के माध्यम से ये बोलना चाह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की इतनी कमी आ चुकी है कि एक कोरोना जो पेशेंट्स है उसको एक मामूली सी अगर कोविड वैक्सीन भी सरकार द्वारा दी जाती है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं दी जाती है कि हम आपको कोविड वैक्सीन लगाते हैं, अगर वो कोविड वैक्सीन पहले 45 साल से लेके
60 की उम्र भर के लगभग को लगाई जा रही थी, लेकिन उसमें भी गारंटी नहीं दी जा रही थी कि आपको दोबारा कोरोना होगा तो नहीं होगा। तो मैं सरकार से ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तो अगर आप कोविड वैक्सीन लगा रहे हैं उसके बाद भी अगर आप ये बोल रहे हैं कि हमारी कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी होगी कि नहीं होगी, तो फिर आप ये वैक्सीन क्यों लगा रहे हैं? क्यों इतना पैसा करोड़ों खरबों में क्यों इतना वेस्ट किया जा रहा है? और आज आप देख लीजिए 2 तारीख को 18 से लेके 45 साल की उम्र तक इन्होंने कहा था कि कोविड वैक्सीन का एक फर्स्ट डोज लगाया जाएगा। ये आपके माध्यम से मैं बता दूं कि इन्होंने कहा था एक फर्स्ट डोज लगाया जाएगा, लेकिन उसमें भी मैं आपके माध्यम से एक बता दूं कि इतनी बुरे हालात हो चुके हैं। मैं खुद 30+ हो चुका हूं, मुझे मेरी भी मंशा है कि सरकार द्वारा SOP जो गाइडलाइंस है मैं उसका पालन करूं, लेकिन जब मैं वो वैक्सीन लगाने की मैं बात करता हूं, हम वो सरकार द्वारा बताया जाता है कि एड्स में बड़ी बड़ी आरोग्य सेतु को आप डाउनलोड कीजिए, उसके द्वारा आप स्लॉट बुक कीजिए, लेकिन मैं आपके क्रिएटर टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज मुझे 4 से 5 दिन हो गए हैं मुझे स्लॉट नहीं मिल रहा, वो मुझे वैक्सीन का स्लॉट नहीं मिला जा रहा। मैं खुद लगाना चाहता हूँ वो वैक्सीन, मैं खुद चेक करना चाहता हूँ कि वो वैक्सीन आखिरकार है क्या जो करोड़ों और खरबों रुपए खर्च कर जो लगाई जा रही है, अगर उसमें ऐसा क्या है कि हम भी वो चेक करें, लेकिन वो स्लॉट जो है वो हमें नहीं मिल रहा है। ये मैं आपके क्रेडिट टीवी के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं सरकार द्वारा ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर हम कोविड वैक्सीन के जो सेंटर्स बने हैं, तमाम सेंटर्स जो हर वार्डों में बने हैं, अगर मैं वहां पे जाता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि सर जनाब हमें ये कोविड वैक्सीन का, उनका यही वो कहना है कि आप स्लॉट बुक्स करवाइए, लेकिन आज आप देख लीजिए मुझे, मैं खुद आपको बता रहा हूँ मुझे 4 से 5 दिन हो गया वो स्लॉट बुक्स नहीं हो रहा। अब मैं आपको यह पूछना चाहता हूँ, क्या जो मरीज होगा, जो पेशेंट होगा, अगर उसको बुखार चढ़ेगा वो हॉस्पिटल में जाएगा, उसको दवाई आप उसी वक्त देंगे या उसको बोलेंगे कि आप स्लॉट बुक करो फिर आपको दवाई मिलेगी? जनाब इस बात की तो मैं मजम्मत करता हूँ, इस बात की कि आप एक तरफा आप क्या सकते हैं कह रहे हैं कि हम फ्री में आपको कोविड वैक्सीन लगा रहे हैं 18 और 45 साल की उम्र में, जो हमारे नौजवान जिनका खून उबलता है, हमारे देश के झंडे के आयन के नीचे हमारा खून उबलता है, उसको आप कह रहे हैं कि आप एक आरोग्य सेतु ऐप से या कोविन ऐप से एक स्लॉट बुक कर रहे हैं और उसमें हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है हमें स्लॉट बुक करने के लिए, तो हम इस जो कोरोना जैसे वैश्विक बीमारी, हम खुद डर के माहौल में बैठे हैं और मैं खुद घर के अंदर बैठा हूं, हमने तमाम वार्डों में सैनिटाइजेशन इसलिए किया कि सरकार जो है करोड़ों अरब रुपए खींचे, हमारे फादर ऑफ द सिटी जम्मू म्यूनिसिपल कारपोरेशन के फादर ऑफ द सिटी चंद्र मोहन गुप्ता जी, आप अपने घरों में सुरक्षित जो बैठे हैं, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता आपकी तमाम वार्डे जो है वो दर बदर भटक रही है। कहाँ है आपकी सैनिटाइजेशन जो टैंकर्स हैं, कहाँ हैं जो लास्ट ईयर हमने उभरते देखे थे, आपने खुद ही तमाम मीडिया के आगे कहा था कि हमारे सैनिटाइजेशन ड्राइव जो है तमाम वार्डों में चल रही है, कहाँ है? आप मुझे बताइए कि आज जो सेकंड वेव चल रही है, ये पिछले साल मैं क्रिएटर टीवी के माध्यम से भी ये बोलना चाहता हूँ कि जो ये इस साल का जो कोरोना वैश्विक बीमारी जो है ये पिछले साल से भी घातक होने वाली है, मैं दोबारा ये रिपीट करना चाहता हूँ। तो चंद्रमोहन गुप्ता जी, आप जो कुंभकर्ण की नींद जो अपने घर में सोए हैं, कृपा करके, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, कृपा करके जागो, एक पार्टी को पीछे हटके सिर्फ एक इंसानियत के तौर पे जागो, ताकि जो हमारे जम्मू के जो तमाम नागरिक हैं, जो जम्मू कश्मीर के तमाम नागरिक हैं, वो चैन की सांस ले पाए, क्योंकि कोरोना जैसे वैश्विक बीमारी जो हमारे लोगों के मनों में, जो हमारे दिलों में एक डर का माहौल पैदा कर लिया, आज हमें गेट के बाहर जाने को भी हमें डर लग रहा है कि पता उसको ही होता है जिसके घर से एक आदमी जाता है। जनाब चंद्रमोहन गुप्ता जी, मनोज सिन्हा जी, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से यह हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सिन्हा साहब, चंद्रमोहन गुप्ता साहब और हमारे भाजपा के
अध्यक्ष देवेंद्र रैना जी, ये जो आप चुन्नी डाल के जो आ जाते हैं, ये आपको शोभा नहीं देती, क्योंकि झूठ के सिवाय आपके पास कुछ नहीं है, कोई भी पॉलिसीज नहीं है आपके पास कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो नौजवान है, जो भाई है, जो बहन है, जो बुजुर्ग है हमारे, आज घर पे बैठ के जिनके अंदर डर का माहौल है, और आप सेंटर में हमारे मोदी जी बिना मास्क के ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि कोविड वैक्सीन को लेकर। जी सर, मेरा साहब, हम स्टेट की बात कर रहे हैं, यूपी की बात कर रहे हैं कि यूपी में सैनिटाइजेशन होना चाहिए। जी सर, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा जम्मू कश्मीर जो था, ये एक राज्य था, इसको राज्य से छीन के डीग्रेड बना दिया गया, ये एक यूटी के तौर पे इसको बना देगा। और मैं आपके क्रिएटर के टीवी के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि यूटी जो है वो केंद्र के अंतर्गत आती है, तो ये जो यूटी जो है ये सेंटर के अंतर्गत दी जाती है, क्योंकि आपने सुना होगा कि हमारे जो रविंद्र रैना जी है, जो भाजपा के एक अपने आप को कहते हैं कर्मठ अध्यक्ष है, मैं उनको बोल देना चाहता हूँ, शायद आपने सुना होगा कि लास्ट ईयर उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने कहा था कि हम अध्यक्ष हैं भाजपा के, हमसे इस मुद्दे पे बात कीजिए, लोकल मुद्दे पे बात नहीं कीजिए, हमसे कीजिए बात, तो सिर्फ नेशनल मुद्दे पे बात कीजिए। इसलिए मैं सेंटर की कमर के पीछे ये पीठ थपथपाना चाहता हूँ कि प्लीज रविंद्र रैना जी, आप जम्मू कश्मीर यूटी के अध्यक्ष हैं, ना कि सेंटर के अध्यक्ष हैं। आपने अभी हाल ही में देखा, आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं टीएमसी के खिलाफ, जो बंगाल में सीएमसी ममता बनर्जी, वो जीती सो जीती, वो अपने स्टेट में, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए, जो जम्मू कश्मीर राज्य के जो हालात हैं, इसके लिए आपने क्या पॉलिसीज तैयार की हैं? हमें सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि जहाँ पे जो युवा है, जो कई सामाजिक कार्यकर्ता है, अपनी जेब खर्च करके सैनिटाइजेशन ड्राइव चला रहे हैं, तमाम हमारे जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा के लिए फर्स्ट कोरोना वॉरियर के तौर पे उनके लिए हाजिर हो रहे हैं, तो सरकार का क्या फर्ज बनता है? सरकार का कोई फर्ज बनता है? सिर्फ कमिंग इलेक्शंस के लिए आ जाते हैं, वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ के पैर पड़ते हैं। जनाब, अगर आप इस कोरोना वैश्विक बीमारी में जिंदा रहेंगे तो ही तो आप आगे सियासत करेंगे ना जनाब। ये मैं क्रिएटर टीवी के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि ये जो बीमारी है, ये लोगों के अंदर एक जहर बन के बैठ गई है, कोई पता नहीं मेरे जैसा या आपके जैसा कोई आदमी कल को जिंदा रहे या ना रहे। अगर जिंदा रहेगा तो ही तो आप सियासत करेंगे ना, तो ही तो आप। लेकिन आपने हाल ही में ही कल देखा, हमारे एमएलसी विक्रम रंधावा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ ही एक इनका, मैं एक साफ शब्दों में एक यूज करना चाहता हूं कि इनका आपस में ही एक गठजोड़ नहीं है, ये बीजेपी जो है आपस में यूनाइट नहीं है, सिर्फ लोगों को बरखलाने का काम कर रही है, सिर्फ वोट बैंकिंग का काम कर रही है। आज 1.5 से 2 महीने पहले बंगाल, कोलकाता और असम में सिर्फ वोट मांगे जा रहे थे, वोट दो, हमें जिताओ, हमने अपना प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन ये कोरोना का इन्होंने कभी जिक्र नहीं किया, ये मैं आपके क्रिएटर टीवी के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, कोरोना का जिक्र इन्होंने कभी नहीं किया। इनका सिर्फ एक ही लफ्ज था, 2 मई दीदी गई। जनाब मैं आपके साथ हूँ, 2 मई दीदी गई दिल्ली, दीदी गई दिल्ली, इनको वो एक कोरोना ब्लास्ट था, ये क्रिएटर टीवी के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, वो एक कोरोना ब्लास्ट था। 2 मई दीदी तो गई, लेकिन कहाँ? दिल्ली में। अब जो रिजल्ट आएगा, मान लीजिए जो गैदरिंग्स हुई हैं तो उनके बहुत तो केसेस आने वाले टाइम में भी और आ भी रहे हैं। बाकी कोई सैनिटेशन पे ही हम बात करते हैं, तो आपको कोई बैकअप, मान लो आप जब अपने लेवल पे कर रहे थे, देखिए हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट इन म्युनिसिपैलिटी एरिया में 75 वार्ड हैं, ठीक है। अभी जो सरकार कर सकती है वो हम सामाजिक कार्यकर्ता नहीं कर सकते।
ठीक है, ये आपको भी पता है। लेकिन जो सरकार सैनिटाइजेशन, एक मामूली सी बात है जनाब, एक मामूली सी बात, कहा है हमारे आज वो कारपोरेटर्स जो इलेक्शंस में आके अपने बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम इस वार्ड को स्मार्ट वार्ड बना देंगे। जनाब स्मार्ट वार्ड तो अब तब बनाओगे जब इस कोरोना महामारी में जिंदा रहोगे। इस स्मार्ट कोरोना महामारी में सबसे लो क्लास एक चीज है, वो एक सैनिटाइजेशन। मुझे नहीं लगता इस पे खर्चा आता है। अगर किसी कारपेंटर के पास पैसा नहीं है तो कृपा करके मेरा मोबाइल नंबर नोट कर ले, 7889899559। मेरा नंबर नोट कर ले, मैं आपकी वार्ड में सैनिटाइजेशन करवा लूंगा, इसका कोई खर्चा नहीं है। ऐसे भी आपने दो चार वार्ड, हाँ जी जी, आपने कुछ वार्ड में सैनिटाइजेशन कराया था, वो मैंने देखा। बाकी आप जी, करते हैं तो वो इनको भी चाहिए, जो चुनिंदा नुमाइंदे हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनको भी चाहिए कि आगे आके आप लोगों को मान लो बैकअप देना। देखिए सर, हमने अभी 2018 में इलेक्शन हुई हमें कारपेंटर्स की, उसमें हमारे जो नुमाइंदे चुने थे वो हमने 75 वार्डों में जो 75 कारपेंटर्स है तो वो विभिन्न विभिन्न पार्टियों के थे। कोई कांग्रेस का है, कोई इंडिपेंडेंट है, कोई बीजेपी का, कोई नथिंग। मैं आपको दोबारा ये रिपीट आपके क्रिएटेड वी के माध्यम यही बोलना चाहता हूँ, अगर आप कॉर्पोरेटर बने, ये एक मामूली सी चीज है सैनिटाइजेशन। आप चाहें तो म्युनिसिपैलिटी द्वारा करवा भी सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो फिर आप कुछ भी नहीं करवा सकते। अगर हम सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं कम से कम भी आपको बता देना चाहता हूँ कि 8 से 10 वार्डों के अंदर मैंने खुद पर्सनली सैनिटाइजेशन ड्राइव मैंने खुद चलाई है। क्यों चलाई है? क्योंकि हमें रोना आता है कि ये एक वैश्विक बीमारी जो हमारे इंसान, जो हमारे रेडी फड़ी वाले, हमारे गरीब भाई जो बेचारे रो रहे हैं, क्यों ना अगर हम इनको खिला नहीं सकते हैं तो हम एक सैनिटाइजेशन ड्राइव चला तो सकते हैं एक स्थानीय तौर पे। इसका इतना खर्चा नहीं है, इसके लिए कोई अप्रूवल लेना नहीं पड़ता है। ये मैं आपके क्रेडिट टीवी के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है मैं यही बता देना चाहता हूँ कि पार्टी को पीछे छोड़ दीजिए। आज मैंने देखा कि सोशल मीडिया में एक ही चीज आ रही है, भाजपा के वो जो रविंदर रैना जी जो दुपट्टा पहन के आ जाते हैं कि उनको सिर्फ एक ही चीज है, प्रदर्शन कर रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, हमारे कार्यकर्ता को मत मारें। ओ भाई साहब मेरे को ये बता दो, क्या आप बंगाल में गए थे? क्या आपको पता कि आपके कार्यकर्ता को मारा है या नहीं मारा है? आपने सुना है? आप सिर्फ कानों से सुनते हैं, छोड़ दीजिए वो उनका अलग मैटर है, लेकिन हमारी J&K की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है, उसके लिए क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं आप? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो मेरे रविंदर राणा जी भी देखना चाहते हैं, चाह रहे हैं, या हमारे LG गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब भी चाह रहे हैं, जनाब मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती चाहता हूँ कि प्लीज 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 सैनिटाइजेशन ड्राइव एक मामूली ड्राइव, एक मामूली छोटी सी चीज है, ये प्लीज एक सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाई जाए ताकि लोगों को सहूलियत मिले। और बात रही ऑक्सीजन की, तो हमारा खासकर जम्मू का जो हॉस्पिटल है, हमारा GMC हॉस्पिटल, ये तो एक मौत का अड्डा बनकर रह गया है। तो अगर मैं ग्रेटर टीवी के माध्यम से अगर मैं बात करना है तो शायद मुझे लगता है कि बहुत ही देर हो जाएगी, बहुत ही लंबा टॉपिक चले जाएगा। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, इंसानियत के तौर पे जनाब रविंदर रैना साहब से, जनाब LG मनोज सिन्हा साहब से, जनाब तमाम एडवाइजर जो हमारे गवर्नर साहब के हैं, जनाब आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमारे जो लोग जम्मू कश्मीर के लोग जो मर रहे हैं इस कोरोना वैश्विक बीमारी से, ये आपसे कोई प्रॉपर्टी नहीं मांग रहे हैं, ये सिर्फ मांग रहे हैं तो सिर्फ एक सैनिटाइजेशन, सिर्फ सैनिटाइजेशन के रूप में एक दवाई मांग रहे हैं जो लोगों के घर घर तक एक छिड़की जाए, लोगों के गेट रोड्स गलियां तक छिड़की जाए, ताकि लोगों को जो है
एक डर का माहौल नहीं पैदा करना पड़े, लोगों के अंदर एक डर का माहौल जो नहीं पैदा हो, इसलिए मैं कुछ हद तक खत्म हो जी। लेकिन हम देखिए, हम तो कहते हैं कि ये वायरस खत्म हो जाए, हम तो चाहते हैं कि आज नहीं खत्म हो, अभी खत्म हो जाए, लेकिन ये जो बेसिक बीमारी है, ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशिया के साइंटिस्ट ने भी ये कह दिया है कि ये जो वेव है, हिंदुस्तान ने बहुत ही देर कर दी है, अब ये वेव जो है ये रुकने वाली नहीं है, और उसका रिजल्ट मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं, उसका रिजल्ट आज देखने को मिल रहा है। हमारे जम्मू कश्मीर में इतने केसेस नहीं थी, रोजाना 50 से 100 बंदे आज बेचारे मर रहे हैं कोरोना संक्रमित के कारण, मर रहे हैं, लेकिन कोरोना संक्रमित के कारण मर रहे हैं, और उसकी जो वजह है दूसरी, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, मुझे खुद पर्सनली इतने कॉल्स आए हैं, लेकिन मैं माफी चाहता हूं उन लोगों से जो मुझे कॉल्स कर रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर ले जनाब, ये ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे हाथ में नहीं है, हमारे जो ऊपर बैठे, जो हमारे ब्यूरोक्रेट से भी ऊपर बैठे, जो तमाम अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनके हाथ में नहीं ये सिलेंडर आ रहा है। इसलिए जनाब मैं आपसे हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि तमाम हमारे जम्मू के अंदर जो तमाम 75 वाड़े हैं, और श्रीनगर के अंदर, और जो तमाम हमारे जोरी, पुंछ, सांबा, कठुआ, डोडा, भद्रवाह, तमाम श्रीनगर, बारामूला, बड़गाम, जो तमाम हमारे जम्मू कश्मीर के इलाके हैं, उनको भी सैनिटाइज किया जाए, वो भी हमारे भाई हैं, उनको भी सैनिटाइज किया जाए, रामबन में सैनिटाइज किया जाए, ताकि लोगों के जो अंदर जो डर का माहौल है वो पैदा ना हो, और ऑक्सीजन की व्यवस्था करें, ताकि लोगों के अंदर जो डर का माहौल, अगर किसी का खुदा ना खास्ता कोई कोरोना पेशेंट आता है, तो उसको ऑक्सीजन, एक मामूली ऑक्सीजन कहने को तो हमारे लिए एक मामूली ऑक्सीजन है, लेकिन जिसके घर से एक इंसान जाता है विदाउट ऑक्सीजन, जिसको ऑक्सीजन नहीं मिलता, वो मृत घोषित कर दिया जाता है हॉस्पिटल और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, बहुत ही दुख का एहसास है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आपसे क्रिएटर टीवी के माध्यम से कि आपने कीमती समय निकाल के मुझे वक्त दिया, इसलिए मैं दोबारा आपसे विनती करता हूँ कि सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाएं, ताकि लोगों के अंदर जो है डर का माहौल नहीं। चलो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेहरा साहब, आपको दोबारा भी कभी जोर टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। आज के लिए ये थे हमारे अरुण मेहरा जी, जो बात कर रहे थे सैनिटाइजेशन के लिए, गवर्नमेंट को उस लेवल तक, उस लेवल की करनी चाहिए जिस लेवल की लास्ट ईयर उन्होंने करी थी, उससे ज़्यादा लेवल की जरूरत है, क्योंकि ये वाला जो वेव है इट्स मोर पावरफुल एंड मोर डेंजरस देन अर्लियर वन। तो लास्ट ईयर वाली वेव थी वो थोड़ी सी कम, मतलब उसमें मौतें होती थी, ये वाली बहुत ही खतरनाक वेव है। तो इसलिए अगर सैनिटाइजेशन हर वार्ड में हो जाती है तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि वायरस पनप सके या रह सके, सिर्फ उसी ह्यूमन बॉडी में रहेगा जिसमें ऑलरेडी गया हुआ है। तो बाकी अगर सैनिटेशन हो जाता है तो एरिया जहां आप टच करते हैं बाकी चीज़ों में, वहां पर नहीं रहेगा। तो आज के लिए बहुत धन्यवाद आपका भी अरुण जी, आपने टाइम दिया, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। तो इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम लेट्स टॉक लाइव खत्म कर लेते हैं। स्मार्ट